रेल परियोजना की क्या स्थिति है, सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। एक भी कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं बता सकते कि जिन्होंने इतने वर्षों में सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए कोई बहुत बड़ा काम ऐसा किया हो। आज युवा बेरोजगार सिंगरौली का हो, सिटी का हो, प्राइवेट कंपनियों में भी पैसे दे के नौकरी करने के लिए मजबूर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा के ही जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। ये चुनाव पूरी ताकत से आदरणीय राहुल भैया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ेंगे और यहाँ के मतदाता आज महंगाई बेरोजगारी से देश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से आज संकट का दौर चल रहा है, विपक्ष को दबाने की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि अभी राहुल भैया ने बताया खाता सील कर दिया गया है। आज कांग्रेस पार्टी के पास फंड नहीं है, दूसरी विपक्षी पार्टी को भी परेशान कर रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और सीधी संसदीय क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम समझते हैं कि सबका आशीर्वाद मिलेगा और ये चुनाव हम लोग जीत। आपने कई और कई ऐसे उदाहरण हैं कि कांग्रेस पार्टी ने स्वर्गीय दाऊ कुमार अर्जुन सिंह जी ने पहले महाजन आयोग बनाया था, 14% ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया था। जब उच्च शिक्षा मानव संसाधन मंत्री थे, पूरे देश में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम किया था। पंचायतों में 27% आरक्षण, 26% के आसपास पंचायत एक्ट में ओबीसी को आरक्षण था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 14% से 27% हम लोगों ने आरक्षण किया था। छीना किसने? भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। तो ओबीसी के लोग तो साथ आएंगे ही, पर कांग्रेस पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इंदिरा जी से लेकर दाऊ कुमार अर्जुन सिंह जी से लेकर दिग्विजय सिंह तक कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार रही है, किसानों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। और हम मुझे जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरह से लोग आगे आके बात कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हर वर्ग का आशीर्वाद मिलेगा और पिछड़ा वर्ग का विशेष आशीर्वाद मिल जाए तो बात है।